और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी चालू हो रही है। बड़ी खबर, किसानों के लिए नया धान खरीदी का जो मौका है वो आ गया है इस वर्ष का। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी होगी, बिना बायोमेट्रिक के धान खरीदी जाएगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। आपको बता दें, इस साल 125 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए है। ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल तक दिया जाएगा। तो बड़ी किसानों के लिए ये खबर है, राहत की खबर है, आशा की खबर है। धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है दाम। तो आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया तेज हो गई है, शुरू हो गई है, और अब सभी किसान धान उपार्जन केंद्रों में जाकर अपनी धान तुलवा सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। धान खरीदी केंद्र था, दो धान खरीदी केंद्र बढ़े हैं, 49 केंद्रों में इस साल धान खरीदी होगी। लगभग तैयारियां पूरी हैं और इसमें हमने उड़न दस्ता दल भी बना दिया है। मैं तहसीलदारों के साथ में टीम बना दिया है। धान खरीदी में हमारी टीम जो बनाए हैं हमने उड़न दस्ता और निरीक्षण के लिए, उनसे हम सतत रूप से निगरानी करेंगे और जिले में धान खरीदी को अच्छे से संपादित कराएंगे। तो चलिए, इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से धान तिहार कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोजराज जुड़ रहे हैं धमतरी से। सबसे पहले हम उनका रुख करेंगे। भोजराज, आप धान खरीदी केंद्र में हैं, क्या आलम है, क्या कुछ वहां धान खरीदी को लेकर गाइडलाइंस दी गई है, किसान किस संख्या में आ रहे हैं, सब कुछ बताए। छत्तीसगढ़ आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और खरीदी केंद्र में पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद धान खरीदी की शुरुआत की गई है। आप मेरे पीछे और देख सकते हैं कि ये संबलपुर सोसाइटी है जहां से धान की खरीदी यहां से की जा रही है। बड़ी संख्या में किसान आज धान बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस केंद्र में 27 किसानों ने टोकन कटवाया जिसके माध्यम से खरीदी की जाएगी। वहीं जिले की बात करूं तो जिले में 95 खरीदी केंद्र के माध्यम से 1772 किसानों का टोकन कटाया गया है जिसके माध्यम से 58,000 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। वहीं जिले में इस साल 55 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और इससे धान खरीदी की जाएगी। इस वक्त देख सकते हैं कि सोसाइटी में सारा जो तमाम व्यवस्था है वो पूरा कर ली गई है। यहाँ पे किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है और किसानों को रुकने के लिए साइड में इधर कृषक विश्राम गृह बनाया गया है जिसके माध्यम किसान यहाँ आराम भी कर सकते हैं। हम यहाँ के प्रबंधक से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की क्या क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो देख सकते हैं। कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आज पहला दिन है और पहले दिन ही किसानों में काफी उत्साह है और धान बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए हम कुछ किसानों से बात करते हैं। आज धान खरीदी का पहला दिन है, आप किसान बेचने के लिए पहुंचे हैं। आज पहला दिन है, हम लोग धान बेच रहे हैं। कितना धान लाए हैं, क्या धान है? 55-40 से 30 क्विंटल लाए। कितना खरीदी हो रहा है इस बार? 20 क्विंटल देख सकते हैं इस बार। 20 ठीक है भोजराज, हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल, वाकई धान खरीदी की प्रक्रिया बहुत विश्राम गृह इत्यादि बनाए गए। घनश्याम हमारे साथ जुड़े हैं और नौशाद हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम से फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नौशाद, क्या कुछ चल रहा है धान खरीदी केंद्र में, क्या गाइडलाइंस दी गई है, क्या कुछ है, और फिर उसके बाद मैं घनश्याम के पास जाऊंगा। बात कर दी गई लेकिन सूरजपुर के बाद की तो आज किसान एक भी किसानों का टोकन नहीं कटा है जिससे यहाँ पे देखा बताना चाहूंगा कि पूरा प्रागण में सन्नाटा छाया हुआ, कोई भी किसान यहाँ पे नहीं है। यहाँ सूरजपुर जिले की बात किया जाए तो यहाँ पे
पिछले साल 26,50,000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी और इस बार 30 लाख क्विंटल धान खरीदी का टारगेट बनाया गया है। वही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से 20 क्विंटल की धान की बात कर दी गई, लेकिन अभी यहाँ के कितने कोई किसान कांग्रेस और भाजपा दोनों के घोषणा पत्र का भी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार किस तरह से किसानों के लिए बताया जा रहा है, किस तरह से लाया जाएगा, उसके बाद हम धान केंद्र में ले जाकर धान बेचेंगे। कुल मिला के बताया जाए तो अभी यहाँ के किसान इंतजार में बैठे हुए हैं, उसके बाद 15 तारीख के बाद यहाँ केंद्र में लोगों किसानों की भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन नौसाद ये कहीं ना कहीं किसानों को समझना पड़ेगा कि घोषणा पत्र का धान खरीदी से तो कोई वास्ता होने वाला नहीं है। सरकार 3 दिसंबर को बनेगी, फिर उसके बाद तो इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल किसान तो ठीक है, क्या प्रबंधन भी लापरवाही कर रहा है? प्रबंधन ने कोई जोर लगाया, किसानों तक संदेश पहुंचाया कि आप उससे प्रभावित मत होइए, ये टोकन है, आपका नंबर है? क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, किसान बाद में फिर कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया, नंबर होगा, टोकन सिस्टम होगा, तो क्या प्रबंधन भी उसी तरह टाल मटोल कर रहा है कि प्रबंधन एक्टिव है? नहीं, प्रबंधन की बात की जाए, प्रशासन की बात की तो पूरी तरह से तैयार है, धान खरीदी केंद्र में पूरी तरह से तैयारी किया हुआ है और किसान आते हैं, कलेक्टर का साफ तौर पे कहना है कि किसान जब भी आते हैं उनको टोकन उनका धान लिया जाए और उनको पूरा सुविधा दिया जाए। बिल्कुल वाकई है, और क्योंकि जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब भी सरकार का लक्ष्य था कि जल्द से जल्द धान खरीदी की प्रक्रिया हो, और इस बार तो ज्यादा लक्ष्य भी रखा गया धान खरीदी का। घनश्याम काम रुक करेंगे, घनश्याम क्या नौसाद जी के यहाँ की तरह आपका यहाँ का भी माहौल है? किसान नहीं है कि चकाचक किसान आ रहे हैं, धान खरीदी हो रही है? घनश्याम देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिले में आज एक भी टोकन नहीं कटा है, खरीदी केंद्रों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो किसान है वो अभी तक धान की कई जगहों पर कटाई नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि धान खरीदी केंद्रों में आज से धान खरीदी की शुरुआत तो हो रही है लेकिन बलरामपुर जिले में आज बोहनी नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के देखिए यहाँ की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, करीब 10 से 15 दिन और लगेंगे तब जाकर के धान खरीदी केंद्रों में रौनक देखने को मिलेगी। अभी जिस धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है, हालांकि कर्मचारी यहाँ मौजूद जरूर हैं, लेकिन क्यों सन्नाटा पसरा है घनश्याम, क्यों सन्नाटा पसरने का कारण क्या है? देखिए नीचे सन्नाटा पसरने का कारण ये है कि धान की जो खेती थी इस बार मौसम की वजह से थोड़ी देर से बलरामपुर जिले में हुई थी, और अभी भी कई किसान जो है वो धान की कटाई नहीं कर पाए हैं। कई जगहों पर ये स्थितियां ये है कि धान के फसल अभी भी हरे हैं, इसलिए सन्नाटे पसरे हुए हैं। कर्मचारी पहुंचे जरूर हैं, लेकिन आज भी जो परिस्थितियां हैं वो टोकन लेने कोई पहुंचा नहीं है। जिले के कलेक्टर से भी हमारी फोन पर बातचीत हुई थी कि किसी जगहों पर खरीदी हो रही है, तो उन्होंने बताया कि कहीं टोकन लेने किसान नहीं आ रहे हैं। ठीक है घनश्याम, ये वाजिब तर्क है, और बलरामपुर की जनता के लिए प्रशासन को भी राहत देनी चाहिए क्योंकि किसान की फसल कटे ही नहीं तो बेचेगा क्या। बहरहाल नौशाद आपके यहाँ का भी प्रबंधन देखना होगा कि कब तक, अगर किसान इंटेंशनली धान नहीं बेच रहे तो उन्हें कब सक्रिय करता है। और भोजराज हमारे साथ हैं, वहां तो धनाधन धान खरीदी चल रही है, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से चले। आप तीनों हमारे साथ बहुमूल्य आपने समय साझा किया, सीधा दर्शकों के साथ संवाद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों सहयोगी थे, धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे थे, बलरामपुर और सूरजपुर में सन्नाटा पसरा है, कुछ अलग अलग कारण हैं। बलरामपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी धान पकी ही नहीं, कटी ही नहीं, और उनको प्रॉपर जो बेचने के लिए मापदंड होते हैं उन तक किसान नहीं ले जा पाए। सूरजपुर की बात करें तो यहाँ के किसानों को इंतजार है घोषणा पत्र का, तो किसान अलग ही लेवल से यहाँ सोच रहे हैं। और भोजराज के यहाँ प्रॉपर धान खरीदी चल रही है, धमतरी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी स्वप्निल गोरखेड़े भी धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं, उन्होंने जायजा लिया, उसे भी एक बार देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ चुनाव उत्सव चल रहा है तो वहीं आज राज्य स्थापना दिवस के दिन
किसानों का जो उत्सव है वो धान खरीदी के रूप में शुरू हो चुका है। मैं इस समय रायपुर से लगे मंदिर हसौद के एक धान खरीदी केंद्र में हूँ, जहाँ पर आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। देख सकते हैं आज धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर शुरू की गई है। यहाँ पर जो समिति प्रबंधन है उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद धान खरीदी की शुरुआत की है और यहाँ पर किसान सुबह से ही धान खरीदी केंद्र खुलने के बाद से ही यहाँ पर अपना धान लेकर किसान जो है पहुंचने लगे और खासा उत्साह किसानों में इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि जो लिमिट है प्रति एकड़ उसको 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया गया है। तो इससे किसानों में खासा उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और किसान इसी दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि पूरी मेहनत जो है किसान करते हैं और आज जब इनका जो प्रतिफल है वो धान के रूप में जब मंडी पहुंचता है तो उत्साह जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो सरकार जो प्रशासन द्वारा जो धान खरीदी को लेकर तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की है। इस साल जो है 26.5 लाख किसान जो है पंजीकृत हुए हैं। सर, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे। सर, आज से धान खरीदी शुरू हो गई, क्या कुछ तैयारी यहाँ पर केंद्रों में की गई? धान खरीदी करने के लिए जितनी भी प्रारंभिक तैयारियां होती है चेक लिस्ट के हिसाब से, कंप्यूटर, जनरेटर, प्रिंटर, कांटा बाट, उनका सत्यापन, मॉइस्चर मीटर, डनेज की व्यवस्था, किसानों के उठने बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था जो धान खरीदी करने और धान बेचने के लिए आने वाले किसानों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। कुल ये अधिकारी जो धान खरीदी की तैयारियों की जानकारी दे रहे थे और यहाँ पर किसान है, किसान से भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आज से धान खरीदी शुरू हो गई, कैसा उत्साह देख रहे हैं? एक उत्साह है, धान खरीदी शुरू हो गए, बहुत खुशी है। ये साल मतलब बहुत जल्दी जैसा धान कटा वैसा चालू किया है। तो बिल्कुल ये किसान जो धान खरीदी शुरू होने से आज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदी होती थी उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया गया है। तो ऐसे में जो उत्साह है किसानों का और दुगना हो चुका है। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आनस न्यूज, रायपुर।